बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिसेस अक्सा कमल एंड आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2020। इन दीज क्लासेस वी शिल स्टडी द ग्रामर पोर्शन एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट ऑफ एसेज। द फर्स्ट एसे विच वी आर गोइंग टू डू इज इरेडिकेशन ऑफ करप्शन फ्राम सोसाइटी। इट इज़ ऑन पेज नंबर 389 and let's take its reading. Eradication of corruption from society. Eradication means to end, khatam karna, of corruption, corruption ka khatma, from society, muashire se. So muashire se corruption ka khatma. Corruption in all its forms is a curse. It has shaken every region of the world, regardless of its background and economic development. Corruption could be moral, physical, monetary, or extortional. It could be in the form of graft, bribery, nepotism, and embezzlement. Corruption undermines civil society and shatters human belief. Justice is sent to exile, and criminals in the form of mafia groups take over. करप्शन इन ऑल इट्स फॉर्म्स इज़ अ कर्स। करप्शन चाहे वो किसी भी हालत में हो एक लानत है। इट हैज़ शेकन एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसने तकरीबन दुनिया के हर हिस्से को हिलाया है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स बैकग्राउंड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाहे उस हिस्से की या उस खित्ते की मुआशी तरक्की या उसका पस मंज़र कुछ भी हो। Corruption could be moral, physical, monetary, and extortional. Here the kinds of corruption are defined. कि corruption जो है वो moral भी हो सकती है, यानी अखलाकी corruption भी हो सकती है, physical, जिस्मानी, monetary और extortional, या फिर money related भी हो सकती है, पैसे से मुतालिक। It could be in the form of graft, bribery, nepotism, embezzlement. और इसके और ये किस form में exist कर सकती है? Graft, bribery, ग्राफ्टिंग पैसे का लेन देन में खयानत बरतना, ब्राइबरी रिश्वत सतानी, निपोटिज़म फेवरेटिज़म, ख़ास तौर पर अपनी सियासी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए फेवरेटिज़म करना या अपनी पर्सनल गेंस हासिल करना, एम्बेज़लमेंट और फंड्स की खुर्द बुर्द। करप्शन अंडरमाइंस सिविल सोसाइटी। करप्शन एक सिविल सोसाइटी को अंडरमाइंस का मतलब होता है तबाह कर देना। करप्शन एक महजब माशरे को ख़राब करती है या तबाह कर देती है। एंड शैटर्स ह्यूमन बिलीफ, और इंसानी एतकादात की भी धज्जियाँ उड़ा देती है। जस्टिस इज सेंट टू एग्जाइल एंड क्रिमिनल्स इन द फॉर्म ऑफ माफिया ग्रुप्स टेक ओवर। माशरे से इंसाफ का ख़ात्मा हो जाता है और क्रिमिनल्स माफिया ग्रुप्स की सूरत माशरे में काबिज़ हो जाते हैं। Now we move to the second paragraph, and Islam being a complete and perfect code of life does not allow corruption in any form. We can see codes of Quran being imposed and put to practice in Saudi Arabia. If justice is imposed without caste and creed, like the blind goddess of justice holding a balance in equal weight, corruption can be banished from society. In fact, corruption is a violation of human rights. It hinders the full utilization of social, political, and economic rights. It is the greatest change facing the world today. It hurts the poor, the deserving, and distorts the useful policies of the government. Scarce resources are plundered by the rogues of a society. Development of human caliber is barred forever. Islam, being a complete and perfect code of life, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होने के नाते डज नॉट अलाउ करप्शन इन एनी फॉर्म। करप्शन की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं देता, चाहे वो किसी हालत में क्यों ना हो। वी कैन सी कोड्स ऑफ कुरान बीइंग इम्पोज्ड एंड पुट टू प्रैक्टिस इन सऊदी अरबिया। हम देखते हैं कुरानी अहकामात को कि वो लागू होते हैं सऊदी अरब की सोसाइटी में, और उन इस्लामी कवानीन या कुरानी क्लॉज को इन प्रैक्टिस लाया जाता है या उन पर अमल दरामद किया जाता है। इफ़ जस्टिस इज़ इम्पोज्ड विदाउट कास्ट एंड क्रीड, अगर ज़ात पात से बालतर होकर इंसाफ कायम किया जाए
तो मुआशरे में करप्शन का मुआशरे से खात्मा किया जा सकता है। इनफैक्ट करप्शन इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दर हकीकत करप्शन इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी का नाम है। इट हिंडर्स द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। हिंडर करती है, रिकावट डालती है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। हकूक यानी मुआशरती सियासी और मुआशी हकूक़ की यूटिलाइजेशन में रुकावट पैदा करती है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट चेंज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। ये सेंटेंस थोड़ा सा अगर हम इसको रीफ्रेज करें तो ये होना चाहिए था, इट इज़ द ग्रेटेस्ट चेंज द वर्ल्ड इज़ फेसिंग टुडे, कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि दुनिया को दरपेश है। इट हर्ट्स द पुअर, इससे गरीबों का नुकसान होता है, द डिज़र्विंग और मुस्तहिक लोगों का, एंड डिस्टॉर्ट्स द यूज़फुल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट या हकूमत की मुफीद पॉलिसियों का भी इससे नुकसान होता है। स्कार्स रिसोर्सेज आर प्लंडर्ड बाय द रॉग्स ऑफ अ सोसाइटी। स्कार्स वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज वसाइल आर प्लंडर्ड, लिमिटेड या बहुत ही महदूद वसाइल पे डाका डल जाता है, या महदूद वसाइल आर प्लंडर्ड बाय द रॉग्स ऑफ अ सोसाइटी, कि एक सोसाइटी के महदूद वसाइल जो हैं वो सही तरीके से ब्रोएकार नहीं लाए जा सकते हर एक के फ़ायदे के लिए। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैलिबर इज़ बाद फॉर एवर, लिहाजा इंसानी तरक्की की राहें ख़त्म हो जाती हैं। नाउ वी मूव टू द थर्ड पैराग्राफ एंड सी व्हाट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन इट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉजेज ऑफ करप्शन इज़ इंस्टीट्यूशनल। पीपल इन पोअर कंट्रीज डू नॉट पजेस वेल्थ एंड रिसोर्सेज। Overpopulation leads to nepotism and plundering of resources. They require more money to meet their needs. They accept bribes from a peon to an officer. This is the saddest aspect of corruption that has come to be accepted as a norm of our life. Even the highest state officers, ministers, and prime ministers received kickbacks from Canadian, Turkish, and Scandinavian firms. इन दिस पैराग्राफ द कॉजेज ऑफ करप्शन हैव बीन डिफाइंड, के बड़ी कॉजेज जो हैं करप्शन की क्या क्या हैं। पीपल इन पुअर कंट्रीज डू नॉट पजेस वेल्थ एंड रिसोर्सेज, के पुअर कंट्रीज या तरक्की पजीर या गरीब ममालिक के लोगों के पास ना दौलत होती है और ना वसाइल होते हैं। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू निपोटिज्म एंड प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज, और आबादी ज़्यादा होने की वजह से निपोटिज्म, लूटमार और प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज यानी वसाइल की लूटमार शुरू हो जाती है। दे रिक्वायर मोर मनी टू मीट देयर नीड्स, लोगों को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए ज़्यादा मनी दरकार होती है या ज़्यादा पैसा दरकार होता है। दे एक्सेप्ट ब्राइब्स फ्रॉम अ पियन टू एन ऑफिसर, और एक अफसर से ले के पियन या आम मुलाजिम तक रिश्वत कबूल करते पाए जाते हैं। दिस इज़ द सैडेस्ट आस्पेक्ट ऑफ करप्शन दैट हैज़ कम टू बी एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म ऑफ आवर लाइफ। ये करप्शन का अफसोसनाक तरीन पहलू है जो कि हमारे मुआशरे में एक आम बात नज़र आती है। इवन द हाइएस्ट स्टेट ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स रिसीव्ड किकबैक्स फ्राम कैनेडियन, टर्किश एंड स्कैंडिनेवियन फर्म्स। यहाँ तक के मुल्क के बड़े बड़े अफसरान, स्टेट ऑफिसर्स, मिनिस्टर, वज़रा एंड प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म भी रिसीव्ड किकबैक्स फ्रॉम कैनेडियन, टर्किश एंड स्कैंडिनेवियन यानी गैर ममालिक से बिलोंग करने वाली फर्म्स से बहुत ज़्यादा पैसा लेते नज़र आए। नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ पैराग्राफ एंड लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। How can the people of Philippines curb this evil when President Marcos and his wife amassed billions of dollars in their offshore bank accounts in England and America? President Robert Mugabe of Zimbabwe and President Sanchez of Chile are blamed by their own countrymen to have accepted graft in huge dollars amounts. How can the people of Philippines curb this evil? Curb का मतलब ख़ात्मा करना। किस तरह से फिलिपाइन के लोग इस बुराई का मुआशरे से ख़ात्मा कर सकते हैं जबकि
उनका अपना प्रेसिडेंट, उनका सदर और उसकी बीवी, प्रेसिडेंट मार्कोस एंड हिज वाइफ अमास्ट, अमास्ट का मतलब होता है कलेक्ट करना, बहुत बड़ी तादाद में किसी चीज़ को इकट्ठा करना, अमास्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन देयर ऑफशोर बैंक अकाउंट्स इन इंग्लैंड अमेरिका, के फिलिपाइंस के लोग किस तरह से इस माशरती बुराई से जान छुड़ा सकते हैं जबकि उनके प्रेसिडेंट मार्कोस और उसकी अहलिया ने कई बिलियन डॉलर्स की रकम ऑफशोर बैंक्स इंग्लैंड और अमेरिका के बैंकों में अपनी दौलत जमा की। प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगेब ऑफ जिम्बाब्वे एंड प्रेसिडेंट सैंचेज़ ऑफ चिली, चिली और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट्स रॉबर्ट मुगेब और सैंचेज़ ने आर ब्लेम्ड बाय देयर ओन कंट्रीमैन, ये लोग अपने ही मुल्क के लोगों के हाथों इल्ज़ाम सहते हैं टू हैव एक्सेप्टेड ग्राफ्ट इन ह्यूज डॉलर्स अमाउंट, कि इनके अपने ही मुल्क के लोग इनको एक्यूज़ करते हैं या इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने बहुत भारी तादाद में रकम जो है वो वसूल की। द इंडिविजुअल स्टेट्स एंड द UNO हैव टू चॉक आउट अ डेफिनेट पोटेंशियल एंड प्रैक्टिसेबल प्रोग्राम्स टू कर्ब द ईविल। द इंडिविजुअल स्टेट्स यानी अमूमन तमाम ममालिक को एंड द UNO और UNO या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी हैव टू चॉक आउट अ डेफिनेट पोटेंशियल एंड प्रैक्टिसेबल प्रोग्राम्स, तमाम ममालिक को इनफरादी तौर पर और UNO को भी चाहिए कि वो एक मुस्तहकम पोटेंशियल और काबिल अमल प्रोग्राम्स प्रैक्टिस में लाएँ टू कर्ब द ईविल, इस बुराई के खात्मे के लिए प्रैक्टिसेबल या काबिल अमल प्रोग्राम बनाएं। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ आवर एसे। यूनिवर्सल एंड लोकल अकाउंटेबिलिटी शुड बी सिंसियरली रेगुलेटेड टू प्रिवेंट ब्लैकमेलिंग एंड नेपोटिज्म। इफ इट इज नॉट एडजस्ट blatantly, NAB has apprehended quite highly placed men and women who looted the national exchequer and took their booty to foreign country, thus debilitated the national economy, encouraged endemic bureaucratic corruption in the whole strata of Pakistani society. Widespread poverty is the outcome. Universal and local accountability should be sincerely regulated. Ab chahiye kya? के बड़े और छोटे पैमाने पर यानी यूनिवर्सल एंड लोकल अकाउंटेबिलिटी, बड़े और छोटे पैमाने पर एहतसाब के अमल को जारी रखना चाहिए ताकि करप्शन का खात्मा हो सके। ये कहना बेजा ना होगा कि नैब ने मुल्क की मशहूर शख्सियात, चाहे वो मर्द हों या औरत, उनको आड़े हाथों लिया है जिन्होंने मुल्की दौलत को लूट कर बैरून मुल्क मुंतकिल किया और मुल्की मईशत को कमज़ोर किया के नतीजे में पूरे मुआशरे में ब्यूरोक्रेटिक करप्शन को फरोग मिला और इस करप्शन का नतीजा मुल्क गिर गुर्बत की सूरत में निकला। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एंडेड आवर एसे। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। नाउ रिवाइज इट वेल एंड ट्राई टू लर्न इट बाय हार्ट। अल्लाह हाफिज़।